मनीष जी घर पे आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि एक कहानी हमें मेरे दिमाग में है बच्चों को लेकर. तो सबसे पहले मैंने पूछा कि इस फिल्म में कोई लड़का है, कोई हीरो है, तो इसे हीरो आप ही हैं. तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट होगा, एक रोल होगा जहाँ पे शायद मुझे कुछ एक सब्सटेंस होगा इसमें, तो मैं करना चाहती थी. लेकिन मुझे लगा कि बच्चों को लेकर एक सब्जेक्ट थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप की नहीं हो जाए, इसमें एंटरटेनमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है. When I read the script, I understood that there's lots of elements that are in this film which make it like a social thriller. So suspense hai, drama hai, action hai, emotions hai, khoobsurat gaane hai, sab kuch hai. Isiliye main is film ke saath judna chahti hu. Main is film se pehle bhi mil chuki hu, main bahut kaam kar chuki hu bachchon ke saath, NGOs ke saath kaam kar chuki hu. Meri jo pehli naukri thi wo ek NGO ke saath thi 2 saal ke liye Delhi mein. To us zariye mujhe mauka mila bachchon ke saath milne ka. Gaon mein polio vaccinations campaigns kiye maine. Lekin is film ke zariye जब तीन बच्चे हैं, तीन एक्टर्स हैं उनके साथ, तो ऑब्वियसली बहुत बॉन्डिंग अच्छी हो गई है मेरी. हर्ष जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नेशनल अवार्ड मिला है उसको. देन देयर इज आदित्य फ्रॉम बॉम्बे और शंकर जो एक्चुअली है ही कैरेक्टर. तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करने में. और जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, हम एक्चुअली कोल्हापुर में शूट कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने एक स्कूल में काम किया जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे आपने देखा प्रोमो में. तो उनके साथ भी मौका मिला इंटरेक्ट करने का, पूछने का कि आपको स्कूल अच्छा लगता है, क्या करते हैं आप स्कूल को, स्कूल के बाद क्या करते हैं, आपकी फैमिलीज़ आपको एजुकेशन में सपोर्ट करती है, गर्ल्स एजुकेशन को लेकर क्या ओपिनियंस हैं वहाँ पर गाँव में. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. I think for me it's really been the fact that it is it's like a solo hero in film. So there's a lot of when you see the poster, I like the poster, but it also scares me because there's no one else in it. But I like the fact that it's got a lot of heart. The best kinds of films I feel are the ones that have a message but that are put in a very entertaining format so that the audience can enjoy them. And I think that this film has that. It's that it has heart but it also has entertainment. I've worked with so many debutant directors that it's always like a bang mutti. You don't know. Sometimes it's a good thing. It's better than working with a terrible director. So at least it's still anyone's game. But Manish has a very good. He's passionate about the film, of course. He has a very good sense of the subject. He works well with children. He has a lot of experience having worked with Rajkumar Santoshi ji. So I think that he knows the subject in and out. आप लोग मुझसे ये 9 साल से ये सवाल पूछते जा रहे हो और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कैमरा के सामने परफॉर्म मुझे ही करना है और तो मुझे कन्विंस होना है रोल के साथ. लेकिन अब भाई प्रोड्यूसर बन चुके हैं तो मैं पूछती हूँ, बिल्कुल उनसे पूछती हूँ कि ये प्रोड्यूसर के बारे में, अगर नए प्रोड्यूसर हैं तो आप जानते हो इनके बारे में, क्या आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. और जब भी मुझे लगता है कि मुझे और पैसे चाहिए तो मैं अपनी मीटिंग्स उनके ऑफिस में रखती हूँ. इस पोस्टर में तो मिकीनी नहीं पहन रही हूँ मैं, तो सबसे पहले आई थिंक वो सब फैमिली में बहुत खुश हैं इस बात को लेकर. और एक्चुअली पोस्टर बहुत अच्छा लगा उनको, उनको लगा एक अनयूजुअल पोस्टर है, एक स्ट्रेंथ है लड़की में. और मैं नॉर्मली बहुत नाजुक लगती हूँ और जो रोल्स मैं नॉर्मली करती हूँ बहुत ही डिम्योर इनोसेंट गर्ल नेक्स्ट डोर, द साई बीबी गैंगस्टर रिटर्न्स या रंग दे बसंती या तुम मिले, बहुत ही नाजुक टाइप के कैरेक्टर्स हैं. ये लड़की भी नाजुक है लेकिन एक इनर स्ट्रेंथ है इसमें जो पोस्टर में निकलता है. To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.